वो राधिका कह रही थी कि उस रोज उसके भैया लोगों की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, माफी मांग रही थी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए राधिका से, मेरी वजह से उसकी जिंदगी में काफी उथल पुथल मच गई, यहां तक कि बात अविनाश की जिंदगी तक आ पहुंची। नहीं ईशा, परेशान मत हो, सब ठीक है, शायद जल्दी ही अविनाश को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं ले चलूंगा तुम्हें एक दिन राधिका से मिलने के लिए, तुम कह लेना अपने दिल की बात। कपूर साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे पास एक पार्टी है, उन्हें उसी एरिया में प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे तो लगता है कि ये सौदा पड़ जाएगा। अच्छा जी, कब तक? बस इसी हफ्ते में। पक्का? बिल्कुल पक्का कपूर साहब। अच्छा जी। नमस्ते। मैं क्या, गुड आफ्टरनून आशीष जी। भाजी आप आई ना, बैठिए। भाजी आपके लिए लस्सी मंगवाऊं या? देखो मैडम, मैं यहाँ पर आपका बाबूजी नहीं, मिस्टर कपूर, विशेषर नाथ कपूर, जिसने इस दफ्तर से कर्जा लिया है और एक महीने के अंदर जिसे वो कर्जा अदा करना है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आशीष जी को मिलता चलूं और उनसे कह दूं कि हफ्ते 10 दिन में मैं उनका कर्जा अदा कर दूंगा। अज्जू कह रहे थे बाबूजी कि सारे भाई मिलकर आपसे इस बारे में बात करेंगे, आपने सबकी रिक्वेस्ट मान ली बाबूजी। देखिए मैडम, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं आपका बाबूजी नहीं हूं, आप मेरी नूह नहीं हैं। यहाँ की वो ऑफिसर हैं जिसके सिग्नेचर के बूते पर मुझे लोन मिला था और जिसका सिग्नेचर ये भी डिक्लेयर करेगा कि मैं उस लोन से मुक्त हो गया हूं। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। बाबूजी बैठ जाइए ना, आशीष जी अभी आते ही होंगे। रोजी रोटी का सवाल है मैडम जी, टैक्सी चलाता हूँ ना। और वो क्या कहते हैं जी, आपकी मुंबई में टाइम खोटी नहीं होना चाहिए ना जी। आशीष जी आए तो मेरा मैसेज उन तक पहुँचा दीजिए। नमस्ते जी। थैंक यू निमू बेटे, थैंक यू। चाय बनवाऊं जी? पीते हैं जी, चाय भी पीने हैं, कपूर साहब आ जाए तो चाय भी पीते हैं। बस ये आते ही होंगे। चाय जी आज ना जितने भी। ओहो कपूर साहब, भाई बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ चुके, भाई सोचा आप आएंगे मीठी मीठी बातों के साथ, मीठी मीठी चाय की चुस्कियाँ ली जाएंगी। निमो बेटे चाय लिया, और जो खिलाना हो वो भी लिया। बैठो ना कपूर साहब, अपनी कार समझो। ओहो महाराज बैठो। लो जी कमाल हो गया ये तो, ये मुझे पता होता कि आप आने वाले हो तो मैं सारे काम छक के चला रहा। क्यों कपूर साहब के साथ? भाई मैं भी तो अपने होटल की सब मीटिंग अटेंड करके ही आ रहा हूँ। वो क्या है कपूर साहब की काम चलता रहे तो वाइफ खुश तो लाइफ खुश। हाँ। कहने का मतलब है कि लाइफ का मजा ही कुछ और होता है। चल अच्छा। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओ जी रवि पुत्र फिट एकदम? बिल्कुल फिट जी, बिल्कुल फिट। लेकिन कपूर साहब थोड़ा उदास रहता है। उदास क्यों है? वो क्या है कपूर साहब के निम्नों के बिना उसका दिल नहीं लगता। वो क्या है पुत्र तो मेरा ही है ना जी। कपूर साहब आप मेरे को देख लो, मैं 25 साल हो गए मेरी शादी को, अगर 1 घंटा मैं अपनी बीवी का मुंह ना ना देखूं तो मेरा दिल ही नहीं मानता जी। 15 मई शीला ने कहा जी 15 मई शादी के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त है जी। शादी? हाँ निम्मो रवि की शादी जी। वो मैं समझ गया, लेकिन इतनी जल्दी जी? इतनी जल्दी मतलब लड़की की शादी है, 2-2.5 महीने तो लगेंगे ना तैयारी में।
भाभी जी, सातवें दिन से आठवां दिन ना लगे। वो कपूर साहब, क्या है कि सातवें दिन से आठवां दिन नहीं लगना चाहिए था जी, क्योंकि मैंने आपकी भाभी को, मतलब अब आप समझ गए होंगे जी कपूर साहब, अब आपकी तरफ से देर नहीं होनी चाहिए। 15 मई जी। जैसा आप चाहेंगे जी, ऐसे ही होगा। भाई साहब, कृष्णा जी, 15 मई फिर ठीक है? हाँ हाँ जी। प्राची, चाची लो, चाची रोटी खा लो। कैसे होगा जी साहब? आपने कहा था कुलकर्णी के जाएंगे आप। गया था जी। कुलकर्णी मिला नहीं, उसका स्वर्गवास हो गया। उसका बेटा मिला, अमेरिका से आया हुआ है। क्या है ना कि जब वक्त खराब होता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है। उल्टा वो हमसे ही पैसे मांगने लगा। ठीक भी है, आज तक कभी ब्याज नहीं लिया उसने, कभी तकाजा नहीं किया उसने। फिर जी मैं गया चौधरी के पास। बाऊजी, ये चौधरी कौन है? पहचान वाला ब्रोकर है। उसने कहा तो है कि 15-20 दिन में इस घर का सौदा करवा देगा। लेकिन ब्याह में तो 7 ही दिन बचे हैं जी, और फिर शगुन के लिए, बारातियों के लिए कम से कम 2-3 लाख की जरूरत तो होगी। राजी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछूं। इसे पूछना क्या, बोलना पत्थर। राजी, जब भी इस घर में कोई मुसीबत आई और हमारे में से किसी ने भी जेवर निकालने की बात की तो आपने हमेशा ये कहकर मुंह बंद करवा दिया कि जेवर तो खानदान की इज्जत होते हैं। पर प्राची, आज मैं उसी का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। प्राची, अगर आज ये होते तो निम्बू की शादी के लिए ये भी यही करते ना। सोमा ठीक कह रही है जी, और फिर जेवर तो होते ही इसलिए हैं कि घर पे कोई मुसीबत पड़े तो आड़े वक्त पर काम आए। सोमा के जेवर, मेरे जेवर और अर्शी की वोटी के लिए जो बना कर रखे हैं, उन सबको मिलाकर कम से कम ये ब्याह तो निपट ही जाएगा जी। तुसी इस बार ना मत करना बस। ठीक है जी, ठीक, जैसा आप लोग ठीक समझे। और एक बात याद रखनी चाहिए, शशि की वोटी के लिए जो जेवर हमने अलग रखे हैं उनको हाथ नहीं लगाना। अरे शशि का हिस्सा, शशि की वोटी का हिस्सा, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं बाऊजी। अरे जो सामने उसकी फिक्र नहीं और जिसका आता पता नहीं है उसके हिस्से की बात कर रहे हैं आप? एक पुत्र, जो हमने दोनों नुहों को दिया है उतना ही तेरी वोटी के लिए रखा है, और वो रहेगा चाहे वो आज कार आए चाहे कल। बाऊजी, ऐसा आप सोच रहे हैं, पर हमारी कोई सोच या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? निम्मो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है,
और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप फिक्र ना करें। बाबूजी मुझे लगता था आप स्वाभिमानी हैं, इसलिए मैं आप पे प्राउड फील करता था, लेकिन आपकी ये जिद आपका स्वाभिमान नहीं, आपका अहंकार है, आपकी ईगो है, आपकी ईगो है। बदतमीज, अपने बाबूजी से जबान लड़ाता। चल माफी मांग उनसे, चल माफी मांग। अज्जू क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बाबूजी के बारे में ऐसा लगता है बाबूजी ने गांठ सी बांध ली हो। हम सब लोगों को तो ऐसा लगता है अपने मन से निकाल दिया हो। तुम चिंता मत करो अज्जू, बाबूजी की मन की गांठ मैं खोलूंगी, उनका दिल मैं जीतूंगी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो मैं निम्मू के लिए ये ज्वेलरी सेट खरीद कर लाई हूँ, कैसी है? अच्छा, लेकिन क्या फायदा शिवानी, बाबूजी फिर कह देंगे हमें इसकी जरूरत नहीं है। अज्जू हमें किसे शो करना है कि हमने निमो के लिए कुछ किया है? हाँ राधिका बेटा, इट्स अ गुड न्यूज। नहीं हम ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। ओके या राधिका का फोन था, कल अविनाश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। अच्छा कितने बजे? ये कुछ 11 बजे। Hi Avinash, how are you feeling now? Good dad. Good. And all the credit goes to... Hello young man. Good morning Dr. Ashwin. Good morning Doctor. Radhika बता रही थी कि आज आप अभी को discharge करने वाले हैं? Yes. अच्छा. Doctor साहब, आपने जो medicines, meals और nutrition बताया था, वो सब इसी order में ना? Good. Dr. Ashwin, राधिका से कहिए कि मेरी असिस्टेंट बन जाए, मेरी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इतना सिस्टमैटिक तरीके से लिखती है ये सब कुछ, अगर पेशेंट अकेला हो तो भी उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आप लोग तो पूरी फैमिली इसके साथ है। सो अविनाश हाउ आर यू? गुड डॉक्टर। देखो भाई 2 हफ्ते का रेस्ट, उसके बाद फिर तुम्हें चेकअप के लिए आना होगा और उसके बाद तुम अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर, टेक केयर, गुड लक, बाय राधिका। Thank you, Doctor. Bye, all of you. Thank you, Doctor. देखिए, आपकी शेविंग किट और मेडिसिंस हमने दोनों इसी बॉक्स में रख दिया है और बाकी सब सामान सूटकेस में है। अभी बेटा उस पेपर में जैसे जैसे जो जो मेडिसिन लिखी है टाइम से लेते रहना। जी। ज्यादा टेंशन मत लेना, कम बोलना, ज्यादा सोचना मत। जितना रेस्ट करोगे उतनी जल्दी अच्छी हो जाओगे। ओके जी मैम। चलें। अभी बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। अभी अपना ख्याल रखना, टेक केयर। राधिका ये सब कहाँ चले गए? घर। घर? मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के मिस्टर अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, हम यहां पर आए थे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए।
हमारी ड्यूटी खत्म हुई, इसलिए हम घर जा रहे हैं। ड्यूटी मतलब इतने दिनों तक जो तुमने मेरी देखभाल करी, मेरी मेरी सेवा करी, वो तुम्हारी ड्यूटी थी। किस हक से, किस रिश्ते से? अपने होने वाले बच्चे के बाप होने के रिश्ते से, ताकि जब वो बड़ा हो वो ये शिकायत ना कर सके कि जब मेरे पापा को आपकी जरूरत थी आपने उनकी देखभाल नहीं की। बस इसी रिश्ते से चलते हैं। चलें राधिका।